हाय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है निशात खान और मैं लाता हूँ आपके लिए काफ़ी अच्छी कंडीशन की सेकेंड हैंड फ्लाइश ब्रेक मशीन। आप देख सकते हैं मेरी फैक्ट्री है फिनोवाटेक LLP करके। ये देख सकते हैं आप पीछे बोर्ड लगा हुआ है फिनोवाटेक LLP करके मेरी फैक्ट्री है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी मशीनें वगैरह रखी हैं। ये 10 ब्रिक्स की मशीन आप देख सकते हैं मेरे पीछे रखी है। ये 12 ब्रिक्स की लक्ष्मी इंजीनियरिंग वाले की मशीन मेरे पर रखी हुई है कोयम्बटूर की, ठीक है। ये लीवर ऑपरेटेड मशीन है। आप देख सकते हैं इसका पावर पैक लीवर ऑपरेटेड पावर पैक है। एक बार में 10 ब्रिक्स बनाती है नौचार तीन की। दूसरी आप ये देख सकते हैं ये लक्ष्मी इंजीनियरिंग वाले की मशीन है मेरे पीछे ग्रीन कलर में रखी हुई जो, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट प्रेसिंग मशीन है, इसको हम दोनों में दे देंगे आपको, कन्वेयर बेल्ट में भी और पटिया प्रेसिंग में भी, ठीक है। और देख सकते हैं आप ये पीछे मेरे मशीन है, ये 4 ब्रिक्स की फुली ऑटोमेटिक मशीन है, एक बार में 4 ब्रिक्स बनाती है। इसमें पटिया वगैरह भी हैं, कंट्रोल पैनल है, पूरा ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल है, ठीक है। ये मशीन भी अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा आप अगर मतलब पुराने टाइप की अगर पेवर वाली मशीन लेना चाहते हैं ये मशीन भी अवेलेबल है, ठीक है। नए के अंदर अगर आप कलर मिक्सचर लेना चाहते हैं कलर मिक्सचर भी अवेलेबल है, ठीक है। वाइब्रेटिंग टेबल लेना चाहते हैं आप सामने देख सकते हैं वाइब्रेटिंग टेबल भी अवेलेबल है, नए में है लेकिन ये कलर मिक्सचर वाइब्रेटिंग टेबल, ठीक है। चार ब्रिक्स की 2-in-1 मशीन लेना चाहते हैं आप, ठीक है। एक बार में एक तरफ माल बनता है दूसरी बार में दूसरी तरफ, ये मशीन भी अवेलेबल है मेरे पास, आप देख सकते हैं, ठीक है। दो ब्रिक्स एक तरफ बनती हैं, दो ब्रिक्स दूसरी तरफ बनती हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को अच्छे से शुरू करते हैं और आपको मशीनों की पूरी जानकारी देते हैं, ठीक है। अभी फैक्ट्री पर कौन कौन सी मशीनें अवेलेबल हैं, जो जो मशीनें अभी देते हैं आपको। ये दो ब्रिक्स की सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, एक बार में दो इधर दो उधर ब्रिक्स बनती हैं, ठीक है। चार ब्रिक्स की फुली ऑटोमेटिक मशीन है। चार ब्रिक्स की फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ये अपने पटिया सिस्टम है, यहाँ से पिलेट्स जाती हैं मशीन में, ठीक है। मशीन काफ़ी अच्छी बनी हुई है, चार ब्रिक्स के हिसाब से बॉडी काफ़ी बड़ी है मशीन की, ठीक है। जो मशीन को जो डाई को बैलेंसिंग रखने के लिए जो अपने लीवर दिया हुआ होता है वो भी इसमें अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वाइब्रेशन भी है मशीन में, 2 HP वाइब्रेशन है मशीन के अंदर। वाइब्रेटिंग मोटर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। कंट्रोल पैनल है, स्क्रीन टच कंट्रोल पैनल है, डेल्टा का HMI लगा हुआ है, बटन्स वगैरह दिए हुए हैं। मशीन के अंदर 3 फेज को सिंगल फेज करने के लिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, SNPS लगा हुआ है, रिले बोर्ड्स, डेल्टा की PLC लगी हुई है, आप देख सकते हैं। कॉन्टेक्टर्स वगैरह जो हैं स्नाइडर के लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। मशीन में एक बार में 4 ब्रिक्स बनती हैं, 10 HP की मोटर लगी हुई है पावर पैक के ऊपर, ठीक है। मशीन के साथ कन्वेयर बेल्ट है, 18 फिट का कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है। मशीन के साथ पटिए भी अवेलेबल है,
चार ब्रिक्स वाली मशीन के साथ में लगभग 1200 पीवीसी पेलेट्स हैं। हज़ार हज़ार मान लें आप, 1000 से 1200 के बीच में है। ज़्यादातर पीवीसी हैं, कुछ लकड़ी के हैं। इसके साथ जो पेन मिक्सचर है, मिक्सर आपको दिखाते हैं। मिक्सर के अंदर पूरा काम करा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्लेट वगैरह पूरी नई डली है नीचे की, बॉटम प्लेट। ये बड़ी मशीन की जानकारी देते हैं। ये बड़ी मशीन जो है एक बार में 12 ब्रिक्स बनाती है, ठीक है। जिसमें 325 टन का कॉम्पेक्शन है, ठीक है। आप देख सकते हैं जेक काफी हेवी जेक लगा हुआ है, ठीक है। एक बार में 12 ब्रिक्स बनाती है। कन्वेयर बेल्ट प्रेसिंग मशीन है इसको, हम आपको आप तो जैसा चाहें कन्वेयर बेल्ट प्रेसिंग लेना चाहें कन्वेयर बेल्ट प्रेसिंग दे देंगे। आप पटिया वाली चाहते हैं तो पटिया सिस्टम दे देंगे, ठीक है। मशीन का पैनल है, ये मशीन का पावर पैक है। पावर पैक में मान के चलें 15 HP की मोटर लगी हुई है, मोटर भी क्रम्पटन की है, देख सकते हैं आप। 15 हॉर्स पावर क्रम्पटन की मोटर है। इसके साथ जो पेन मिक्सर है, काफी बड़ा भारी पेन मिक्सर है, आप देख सकते हैं। दूसरा मिक्सर तो इसके आगे बिल्कुल बच्चा लगेगा, देखें। पेन मिक्सर पे 20 HP की मोटर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। गियर बक्सा काफी हेवी लगा हुआ है। मशीन जो ये आप देख रहे हैं, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु की बनी हुई हेवी ड्यूटी मशीन है, काफी हेवी मशीन बनी हुई है। इसके साथ डाइये हैं, इसके साथ जो डाइये हैं उसके अंदर आप पेवर ब्लॉक्स बना सकते हैं, देखें आप। आई शेप के 8 ब्लॉक इसके अंदर बन जाएंगे, ठीक है। और एक बार में 12 ब्रिक्स बन जाएगी। जिसके अंदर जो कन्वेयर बेल्ट है, काफी बड़ा कन्वेयर बेल्ट है। ये आप देख सकते हैं मशीन का काम चल रहा है। गाइड रॉड्स वगैरह खुली हुई हैं, ऑयल सील्स वगैरह चेंज होने के लिए, ठीक है। ये एक बार में 10 ब्रिक्स बनाती है। सिंगल सिलेंडर वाली मशीन है, लीवर ऑपरेटेड पे वर्क करती है। इसका कूलेंट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 10 HP की मोटर लगी हुई है पावर पैक के ऊपर। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, मतलब इसमें फुली ऑटोमेटिक नहीं, लीवर ऑपरेटेड है, और इसमें कट ऑफ सिस्टम डले हुए हैं। मशीन के साथ ही 2 मिक्सर है, वो मिक्सर आप देख सकते हैं। एक ये रहा, इसके भी गियर बक्सा वगैरह खुला हुआ है, बेरिंग्स वगैरह चेंज हो रहा है, हाउसिंग वगैरह के बेरिंग चेंज हो चुके हैं, ठीक है। रोलर वगैरह के बेरिंग चेंज हो गए, ये आप देख सकते हैं। मिक्सर के पूरी प्लेट्स वगैरह सब बदलाई हैं। ये हमारी कंपनी के मैनेजर हैं पंडित जी, राम स्वरूप व्यास नाम है इनका। जय श्री महाकाल दोस्तों, ये अपनी कंपनी है पिनावटेक LLP। आप आइए, मशीनों का आपको A to Z काम मिलेगा। यहाँ पे 0 से लेके 100 100 तक आपको A to Z काम करके देते हैं। हमारे भाईजान इंजीनियर है, बाकी हमारे इंजीनियर साहब भी है साथ में, पूरा काम A to Z करके देंगे आपको। और दूसरा क्वालिटी में, मतलब क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा हमारे यहाँ पे। देखा जाए तो मशीन जैसे ऐसा नहीं है कि आप बाहर से लेके आए और बाहर की बाहर दे दिया, कंपनी में मशीन आएगी,
ए टू जेड पूरा काम देखा जाएगा, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज खराब है हम उसको निकाल के भंगार में डाल देते, नहीं हमारे तरफ से डालते हैं। मतलब ग्राहक को ऐसा लगना चाहिए कि वाकई में काम हुआ है, कंपनी की ब्रांडेड चीजें लगाएंगे, जो भी खराब हुआ है मान के चलिए ऑयल वगैरह हम पूरी चेंज करते हैं, खोल मशीन को पूरी खोल लेते हैं, यानी कि पूरा शुरू स्टार्टिंग से पूरा काम होता है। तो दोस्तों आपने देख ली मेरी फैक्ट्री, ये इंदौर शेरपुर बाग में अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारे इंजीनियर साहब हैं जो कि पूरे मशीन का मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, ठीक है, पूरा मशीन का मेंटेनेंस जानते हैं वो, हाइड्रोलिक से रिलेटेड हो, चाहे वो अलाइनमेंट से रिलेटेड हो, फेब्रिकेशन से रिलेटेड हो, ओवरऑल सारी चीज़ें जानते हैं ये। यार क्या है, जैसे कि कोई भी चीज़ का जो दिक्कत आती है वो पूरा सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और जितने सारे मशीन का जो भी है ऑयल सील वगैरह है, चाहे पंप का है, चाहे कोई भी चीज़ है, वो पूरा मेंटेनेंस यहाँ पूरी खोल के करते हैं, और पूरी अच्छी तरह से हमने उसको अलाइनमेंट करके और सही स्टार्ट करके हमने पार्टी को हैंड ओवर करते हैं, और यहाँ से इंस्टॉल करने तक पार्टी को हमने जब तक कि वो संतुष्ट नहीं होते हैं, जब तक उनको मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जैसा कि अब हम लोग अधूरा करके चले आते हैं, पार्टी संतुष्ट होना चाहिए, तो पार्टी को हमने संतुष्ट करके ही फिर वापस आते हैं। आप देख सकते हैं पूरी फैक्ट्री मेरी, तो आप कई बार ऐसा होता है कि आपके फ़ोन हम उठा नहीं पाते हैं, ऐसा हो जाता है, तो आप परेशान नहीं हो, आप व्हाट्सएप पे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप व्हाट्सएप करें, कई बार बिजी होने के कारण आपका फ़ोन नहीं उठा पाए, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, आप व्हाट्सएप पे जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी डालें, आप कितने ब्रिक्स की मशीन लेना चाहते हैं, ये मशीन तो फैक्ट्री पे रखी हुई है, पॉसिबल नहीं हो पाता कि सारी मशीन अपन फैक्ट्री पे लेके आ सकें, ठीक है, तो कई मशीनें जो होती हैं साइडों पर होती हैं, ठीक है, साइडों पे मशीन लेने का ड्रॉबैक ये रहता है कि साइडों पे जो होता है मशीन में फुल मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि आप अगर साइड से मशीन लेते हैं तो भले ही वो लाख लाख 50,000 कम में मिल जाए आपको, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख कम में मिल जाए, लेकिन वहाँ पे क्या होता है फुल मेंटेनेंस करी हुई मशीन नहीं मिल पाती है, पर आप जो भी मशीन आप मेरी फैक्ट्री से आप लेते हैं तो फैक्ट्री से आप देख सकते हैं पूरा फुल मेंटेनेंस करी हुई मिलती है, बारीकी से पूरी उसकी जाँच होती है, उसकी बाकायदा पूरी फाइल बनती है हमारे यहाँ कि हाइड्रोलिक वगैरह चेक करा नहीं करा, ठीक है, पंप का प्रेशर चेक करा नहीं करा, वॉल देख लिए, वॉल कोई लीकेज नहीं है, वॉल जो भी लीकेजेस होते हैं उनको बदला जाता है, ठीक है, मशीन को देखा जाता है उसमें कूलेंट है नहीं है, मोटर प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है, इन सब चीज़ों का बाकायदा प्रॉपरली ध्यान रखा जाता है, ठीक है, ऑयल सील का जैसे और सेंसर का सब चीज़ें आपको जैसे जो छोटी मोटी होती हैं सेंसर्स वगैरह एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ठीक है, नई मशीनें बनाने का काम भी हमने शुरू कर दिया है, अगर आप नई मशीन लेना चाहते हैं तो इंदौर में मेरी फैक्ट्री है शेरपुर बाग में, आपको अच्छी से अच्छी बढ़िया से बढ़िया मशीन बना के दी जाएगी, जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं बेस्ट से बेस्ट आपके इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है, जैसे कि डेल्टा की PLC है, ठीक है, HMI है, स्क्रीन टच पैनल है, ठीक है, और जैसा भी मतलब बेस्ट से बेस्ट वर्क होता है, जैसे अपने हाइड्रोलिक्स हेवी से हेवी हाइड्रोलिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्लेट वगैरह बिल्कुल बढ़िया फ्रेश इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आप अगर नई मशीन भी लेना चाहते हैं तो हमारा काम इंदौर में है, इनोवाटेक LLP करके हमारी कंपनी है, शेरपुर बाग में हमारी पूरी फैक्ट्री है, ठीक है, तो आप जैसा भी है वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस।